फ्रेंड्स सर्कल ट्रेडर्स चैनल में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। सर्कल ट्रेडर्स चैनल में मैं कौशिक सरकार आपके साथ हर रोज की तरह निफ्टी बैंक निफ्टी का परफेक्ट पोजीशन और कहां पे होगा आपको प्रॉफिट ये लेके हाजिर हूं। दोस्तों आपको अगर हमारा डिमांड अकाउंट ओपन करना है तो इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। हमारे जो ऑनलाइन क्लासेस है उस क्लास को अगर ज्वाइन करना है और मार्केट से बिना मतलब का पैसे को लॉस करने को अगर क्लोज करना है आपको तो क्लास को ज्वाइन करके आप सीखे हुए तरीके से मार्केट में ट्रेड कीजिए। चलिए दोस्त सीधे चलते हैं। बैंक निफ्टी क्या कल भी गैप अप खुलेगा इसके ऊपर फुल चर्चा करेंगे। आपको टेक्निकल चार्ट दिखाया जाएगा, आपको समझाया जाएगा कि किस बेस पे क्या हो सकता है, कहां पे आपको अलर्टनेस रहना है। आज मैं इस प्रेजेंटेशन का मतलब से आपको समझाऊंगा नहीं। देखिए प्रेजेंटेशन से कल जो मैं लेवल दिया था क्लियर लेवल बैंक निफ्टी के लिए क्लियर लेवल आपको दिखाई दिया है कि यहाँ पे मैं दिखा था 29,500 के बाद का जो लेवल था वो 29,750 ये लेवल अभी दिखाई दे रहा है बैंक निफ्टी में। तो फ्रेंड्स ये आपके सामने चार्ट है बैंक निफ्टी का और यहाँ पे क्या चीज हम दिखाई दे रहे हैं। देखिए सबको ये चीज दिखाई देगा, जो भी लोग ट्रेडिंग करते हैं अब सभी को ये चीज दिखाई दे रहा है। यहां से चार दिन पहले का कैंडल कैसे बना था, आज का कैंडल कैसे बना है, सेम कैंडल। अब आगे क्या चार दिन पहले जो कहानी हुआ था गैप डाउन ओपन, क्या कल भी गैप डाउन ओपन होगा, इस चीज को हम समझेंगे इस वीडियो में। लेकिन जिन लोग फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं उसे मैं बताना चाहता हूं, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का कोई जरूरत नहीं है, फुल्ली आपका मर्जी है। अगर हमारा बातचीत हमारा लेवल आपको सही लगता है, समझने का तरीका आपको सही लगता है तो आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए दोस्त तो मैं यहाँ पे कुछ लॉजिकल बातें यहाँ पे समझाऊंगा कि ये जो चीज बन गया है क्लियर डबल टॉप। मैं आपको हमेशा एक चीज को समझाता हूं, क्या समझाता हूं कि ओवरनाइट मत कीजिए, लेकिन ओवरनाइट तभी करना है जब आपके अंदर फुल कॉन्फिडेंस है। अब देखिए ये जो क्लोजिंग होने जा रहा है अभी बज रहा है 3:28, ये क्लोजिंग इस हाई के ऊपर देने जा रहा है। एक पॉजिटिव बात है, इसका हाई इससे नेक्स्ट डे का हाई आप में है, नेक्स्ट डे का हाई आप में है, तो कल का भी हाई इस सीक्वेंस में अगर देखा जाए तो हाई में ही होना चाहिए। ओके लेकिन जो बात मैं कल भी आप लोगों से कहा था, हर एक लेवल पे आप ट्रेड कर रहे हैं लेकिन स्टॉप लॉस मस्ट, स्टॉप लॉस लेकर चलिए। निफ्टी जिस दिन गिराएगा ये कम से कम 3-4 दिन का ग्रोथ को एक दिन में खा जाएगा। इसको ध्यान में रखते हुए अलर्ट होके आप कॉल पोजीशन में रह सकते हैं। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है यहां पे आपको किस तरीके से कॉल दिया जाता है, एक बैंक निफ्टी का कॉल, एक निफ्टी का कॉल। निफ्टी कॉल आपके सामने ये है 13,000 का कॉल दिया था मैं जो कि 100 रुपीज में, एंड बैंक निफ्टी का कॉल, बैंक निफ्टी का कॉल आपको सुबह सुबह ही दिया गया था और वो कहां तक पहुंच गया। देखिए बैंक निफ्टी अभी ओपन होने जा रहा है इसके ऊपर, जस्ट मैं आप लोगों को ऑलमोस्ट टाइम क्लोज ओके, नहीं तो मैं आप लोगों को यही लिखने जा रहा था कि कल भी मार्केट गैप अप ओपनिंग हो सकता है, इसका पीछे देखिए क्या रीजन है। अभी जो कैंडल क्लोजिंग हुआ है ओके, कैंडल क्लोजिंग हुआ है इसको गौर से देखिए, इसमें कोई अपर शैडो नहीं है, कोई अपर शैडो नहीं है। इसका मतलब क्या होता है, मैं जब अपना क्लास में समझाता हूं कोई बार डेमो क्लास में समझाया हूं कि इस कैंडल से क्या समझ में आ रहा है आपको। सपोज आपके पास घर में कोई सामान है ओके, कुछ सामान है, आपने एक बोरी लिया और बोरी में भरना शुरू किया, बोरी में भरते भरते फुल बोरी हो गया है, फुल टॉप अप बोरी हो गया है, फिर भी आपके पास सामान बाकी होगा तभी ये बोरी फुल टॉप अप होगा। मतलब यहां पे और भी कुछ डालना बाकी है, और भी कुछ आना बाकी है। तो जब ये कैंडल का कोई अपर शैडो नहीं रहता है इसका मतलब क्लियर क्लियर ये होता है कि नेक्स्ट जो कैंडल बनने वाला है ये फिर से थोड़ा सा तो तेजी इसमें आना चाहिए। अब निफ्टी का भी चार्ट देखेंगे, बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे, दोनों का ही सेम चार्ट आपको दिखने को मिलेगा। पिछले दिन का हाई जस्ट मैं अभी दिखा रहा था, पिछले दिन का हाई को क्रॉस करता हुआ जाता हुआ दिख रहा है, पिछले दिन का हाई को इसने क्रॉस कर दिया है। अब इसका बीच में एक ही चीज आपको मार्केट को गिरा सकता है, वो क्या है, अमेरिकन मार्केट। रात को अगर अमेरिकन मार्केट में मंदी आ गया है, बहुत बड़ा फॉल आ गया है, तभी मार्केट डाउन हो सकता है। अदरवाइज मेरा जो व्यू लग रहा है मार्केट फिर भी यहां से तेजी लग रहा है, और तेजी कहां तक जा सकता है निफ्टी का चार्ट में मैं लेके आऊं, और निफ्टी का चार्ट में जो मैं यहां पे देख पा रहा हूं ये चार्ट में आपको बताना चाहूंगा कि ऑन डे का चार्ट में
इसके बाद जो नेक्स्ट तेजी मुझे जो लग रहा है वो आपको जा सकता है, ये जो अगर ट्रेंड लाइन थोड़ी सी इस तरीके से खींचा जाए तो यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन भी आपको खास काम नहीं करेगा, यहाँ पे टेक्निकल चीज ही काम करेगा जो कि आप मुझे दिखाई दे रहा है 13,200 के आसपास। तो मैं एवरी डे एक के बाद एक लेवल आपके साथ शेयर कर रहा हूं। पहले मैं ये लेवल आपके साथ शेयर किया था कि जिस दिन 13,000 के ऊपर सस्टेन कर जाए निफ्टी, उस दिन मार्केट में रैली जबरदस्त आने वाले हैं और नई हाई बनाने वाला है। कल का वीडियो में भी मैं यही चीज बताया था आपको। आई थिंक ये सारी बातें आपको क्लियर है और आज बहुत अच्छे प्रॉफिट कमाए होंगे। तो फ्रेंड्स, इस टेलीग्राम चैनल पे आपने अगर नहीं जुड़े हैं तो इस टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, जहां पे क्लियर 2 से 3 कॉल दिया जाता है जिसके अंदर ट्रेड करके आप एवरी डे एक प्रॉफिट देख सकते हैं। ओके, हमारा जो अभी का बैच शुरू हो रहा है ये कल से शुरू हो रहा है। हम सीधा चले जाएंगे यहाँ पे आपको ऑप्शन चेन में, तो ऑप्शन चेन में चलते हैं और यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे क्या स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इससे पहले आपको बताना जरूरी है कि कल से जो बैच शुरू हो रहा है उसका सीट फुलफिल होने वाला है, लेफ्ट 2 सीट है। अगर जिन लोग अभी भी किनारे में बैठ के सोच रहे हैं कि 7,000 रुपया कैसे हम खर्च करेंगे, तो आपको एक दिन में बैंक निफ्टी में ऑब्वियसली लॉस हो जाता है किसी किसी दिन 7,000 से 10,000 से 20,000, बहुत सारे स्क्रीनशॉट हमारे पास ऐसे रहते हैं और फिर बाद में बोलते हैं सर सारे पैसे खत्म हो गया, अब मैं सीखूंगा कैसे। चलिए, नो प्रॉब्लम, ये फुल्ली आपका हिसाब किताब है, मैं यहाँ पे कोई इंटरफेयर नहीं करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं सीधे आ गया हूँ निफ्टी का ऑप्शन चेन में और यहाँ पे मुझे क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मुझे क्लियर सी नजर आ रहा है कि कॉल साइड से अनवाइंडिंग होता हुआ, कॉल अनवाइंडिंग होता हुआ, यानी कि कॉल सेलर जो थे यहां से भाग रहे हैं। ओके, यहां से भाग रहे हैं, कहां जा रहे कॉल सेलर, 13,300 के ऊपर। तो क्या कल 13,300 टच करेगा? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कल 13,300 टच करेगा। कल के लिए मैं जो लेवल लग रहा है कि 13,200 का नियर अबाउट 13,200। ओके, अगर डाउनफॉल हो जाता है जब तक ना 13,000 लेवल को ब्रेक हो रहा है, क्लियरली ध्यान दीजिए, जब तक ना 13,000 लेवल को ब्रेक हो रहा है तब तक हम पुट कैरी नहीं करेंगे। ओके, तो कोई दोस्त का फोन आया था, सर हमने पुट बाई किए हैं क्या करना है? तो मेरा जहां तक समझ है, मैं आपके साथ शेयर किया हूं कि अभी पुट कैरी करने का टाइम नहीं है, एक्सपायरी का एक दिन बाकी है। आपको एक तो प्रीमियम डीके होते जाएगा और एक अगर उल्टा दिशा में गैप अप ओपन हो गया है किसी वजह से तो आपको ये बहुत ज्यादा डाउन हो जाएगा। आई थिंक इस ऑप्शन चेन में चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखते हुए आपको ये समझ में आ रहा है कि कहां पे निफ्टी का सपोर्ट बन रहा है। ओके, कहां पे निफ्टी का सपोर्ट बन रहा है, 13,100 के ऊपर 5,30,000 का हम फिगर देख रहे हैं एंड 13,000 के ऊपर 13,000 के ऊपर 29,24,000 का फिगर यहाँ पे दिख रहा है। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि कितना ह्यूज यहाँ पे आपको सपोर्ट देखने को मिल रहा है। चलिए सीधा चलते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर और यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे जो बैंक निफ्टी का क्या लेवल कल के लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्लियर सी है यहाँ पे बैंक निफ्टी का लेवल 30,000 का इंपॉर्टेंट है। अगर आपको तेजी के साथ 30,000 को टच करता है तो आपको यहाँ पे केयरफुल होना चाहिए। ओके, यहाँ पे आपको केयरफुल होना चाहिए, लेकिन 30,000 के ऊपर भी कॉल को अनबाइंडिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। क्लियर, 30,000 के ऊपर भी हमने कॉल को अनबाइंडिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। सपोर्ट की बात करें तो 29,500, तो जब तक 29,500 के ऊपर रहेगा तब तक हमें क्या करना चाहिए, तब तक यहाँ पे दूर का एक स्ट्राइक को सेल कर दीजिए। ओके, दूर का एक स्ट्राइक को सेल कर दीजिए, आपको कुछ नहीं तो लॉस बहुत ज्यादा नहीं होगा। तो इस चीज को समझिए कि मैं किस बाजार से आपको ये सपोर्ट बताया हूं, किस बाजार से मैं ये रेसिस्टेंस बताया हूं, और ऐसे ना हो कि 30,000 का ऊपर ही बैंक निफ्टी का ओपनिंग हो और यहां से भागता हुआ चले ये 30,500 की तरफ। मैं जस्ट एक पॉसिबिलिटी बता रहा हूं, ऐसे होने का कुछ मेरे पास गारंटी नहीं है, ऐसे होने का कुछ मेरे पास सबूत नहीं है, मैं ऐसे कोई वादे के साथ नहीं कह सकता। ओके, तो जस्ट मैं बातों के अंदर मुझे ऐसे लगा कि ऐसे ना हो कि कल 30,000 के ऊपर बैंक निफ्टी को ओपन होता हुआ दिखाई दे और यहां से भागता हुआ दौड़ा चले ये 30,500 की तरफ, 30,400 की तरफ। मतलब बिना सांस लिए हुए निफ्टी एंड बैंक निफ्टी को भागते हुए हम देख रहे हैं। और इस टेक्निकल चार्ट में हम पुट साइड में कब जाएंगे, क्लियर मैं आपको दिखाता हूं। पुट साइड में जाएंगे जब प्रीवियस डे का लो को ब्रेक करेगा। फिलहाल के लिए जो लेवल है मैं आप लोगों को क्लियरली बता दिया हूं, 13,000 लेवल से नीचे ही रहेगा, नीचे जाएगा तब हमें सेल करना है, लेकिन 12,950 ये भी अभी के लिए आपको एक सपोर्ट लेवल बन गया है।
जैसे मैं हमेशा आप लोगों को समझाता हूं कि नीचे से अगर एक लेवल ऐसे बनता है, फिर एक लेवल ऐसे जाता है, तो फिर एक लेवल ऐसे जाता है, तो आपको ये जो पीछे जो हाई छोड़ के आ रहा है ये आपको सपोर्ट का काम करता है। ओके, तो आई थिंक आपको मैं इस छोटी सी टेक्निकल चार्ट के माध्यम से समझ जाने को काबिल हुआ हूं। एंड यहाँ पे मैं आपको डाउ जोन का स्थिति भी दिखाया हूं कि डाउ जोन रात को क्या हो सकता है। तो मुझे जहां तक लग रहा है अगर डाउ जोन थोड़ा सा पॉजिटिव ओपनिंग हो और पॉजिटिव क्लोजिंग हो तो इंडियन मार्केट भी आपको पॉजिटिव ही ओपन होता हुआ दिखेगा। बाकी आगे कैसे क्या करना है, कैसे ट्रेड करना है, मैं आपको फ्री में इस टेलीग्राम चैनल पे हमेशा गाइडनेस करता हूं। आई थिंक इसका गाइडनेस आप लोगों को सही लगता होगा। अगर सही लगता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में एक बार यस या तो एक लाइक जरूर दबाइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट एंड आई रिप्लाई एवरी पर्सन अपर कमेंट बॉक्स। थैंक यू फ्रेंड्स, टाटा।